हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये हमारी ग्लोबल रैंक सर्वर का होने वाला है डे नंबर 3। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा कि लास्ट में मैं यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह बना रहा था रेड वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे जो अपने बेस के बगल में एक थाई बंदा है वो अपना बेस क्या ही गजब तरीके से कैंप कर रहा था। एंड फाइनली गाइस, अभी जो है ना, मैंने उस बंदे को मार मार के सुला दिया है। तो मैंने डिसाइड करा, चलो यार अभी जो है ना हम लोग रेड करने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं रेड करने के लिए निकल चुका, पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग बोल रहे थे कि भाई यार वीडियोज में शाउट आउट दिया कर। तो आज जो है ना गाइस, हम लोग अपने 4 सब्सक्राइबर भाई को काफी गजब का शाउट आउट देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे ये भाई लोग वो रहे। तो यार अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं नाम पढ़ पाऊँ, क्योंकि पहले यार बहुत शाउट आउट दिया था। अभी जो है ना शाउट आउट देना थोड़ा सा बंद वगैरह कर दिया, क्योंकि हेटर्स के चक्कर में गाइस। सो अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे थाई बंदा तो ऑफलाइन है, क्योंकि उसको क्या ही गजब से हमने मारा था। एंड उसके बाद यार अपने बेस के अगल बगल काफी ज्यादा बेस है, तो मैंने डिसाइड करा चलो जितने भी अपने बेस के अगल बगल स्टोन, आई मीन स्टोन या फिर वुड के बेस होंगे, उनको हम लोग रेड करेंगे। एंड देखते हैं यार उनसे अपने को क्या ही गजब का रिसोर्सेस मिलता है। यार पूछिए मत, मतलब आपको क्या करना है गाइस, सिर्फ मचेट्स बनाओ और रेड करने के लिए निकल जाओ। एंड ईजी गाइस, आपको काफी अच्छा लूट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा पर काफी गजब का लूट होगा। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक रेड कर दिया है, ये दूसरा बेस था। एंड आप लोग यार मेरे बैकपैक में लूट देख सकते हो, क्या ही गजब का लूट है भाई। बंदे ने फर्नेस ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ था, एंड लगता है ये रेड टाइम के टाइम पे जो है ना ऑफलाइन जा चुका था। एंड इसका सारे का सारा सामान जो है वो हमें मिल गया है। और अभी जो है ना गाइस, मेरे पास कुछ ऑयल बम्स है ऑलरेडी, मैंने वो सेफ में रखे हुए। एंड काफी भाई लोग बोल रहे थे कि भाई यार ये सेफ किस तरीके से ओपन होता है। तो गाइज इसके 3 ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो आपको 9 भेड़िए मारने होंगे, उसके बाद 5 ब्लू रूम करना होगा। एंड अगर आपको तीसरा भी अपना सेफ खोलना है तो उसके लिए आपको म्यूटेंट को मारना होगा। तो अभी जो है गाइज यहाँ पे मैंने 2 बेस रेड करा, एंड उससे जो है अपने को काफी अच्छा लूट मिल चुका है। और मैं आ चुका हूँ अपने बेस में। सबसे पहले जितना भी अपने पास लूट वगैरह है सो उसको हम लोग सेव करेंगे। एंड उसके बाद जो है ना गाइज, हम लोग आगे जाके ट्राई करेंगे कि कहीं हमें कोई अच्छा सा बेस मिल जाए, क्योंकि गाइज अभी जो है ना काफी बंदे काफी ज्यादा एक्टिव है। जो सर्वर है वो पूरा का पूरा हॉट चल रहा है। अभी जो है ना जितने भी बंदे वो ओनली मचेट से लगे हुए रेड करने में। तो मैंने भी डिसाइड करा आज जो है ना हम लोग मचेट से ही रेड करेंगे। एंड देखते हैं यार हम मचेट से रेड कर करके कितना सामान कलेक्ट करते हैं। भाई अपने जितने भी बॉक्सेस है ना वो क्या ही गजब तरीके के भरे हुए हैं। एंड अभी यार बॉक्सेस खाली भी नहीं है, देखता हूँ इतने सारा सामान जो है वो कहाँ पे शिफ्ट करूँ। ओके गाइज, यहाँ पे एक बॉक्स में काफी जगह है। जितना भी मेरे पास फार्म वगैरह ना मैं सारे का सारा इधर डालता हूँ। एंड अपने पास जो है हम लोग थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह रखेंगे और बॉम्ब्स रखेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर से निकलते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे से मैं बेस वगैरह देख ही रहा था। एंड देखो यार यहाँ पे एक बंदा क्या ही गजब तरीके से बेस रेड मार रहा है। पर उससे पहले गाइज ये बेस रेड मारे, हम लोगों ने इसको ही रेड मार दिया। तो अभी जो है ना गाइज, मुझे लगता है डेफिनेटली इस बेस के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा सामान तो होगा, जो कि ये बंदा इस बेस को मचेट से रेड मारने का ट्राई कर रहा था। तो मैं यहाँ पे से भी जा सकता था, मुझे लगे यार मे बी अंदर डोर्स वगैरह होंगे। सो मैंने डिसाइड करा यार चलो डोर टू डोर चलते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने सबसे बड़ी गलती करी, अगर मैं मचेट से उधर से रेड मारता ना तो इजीली यार अपने को मिल जाता। मैंने समझा ये बंदा है, बंदा नहीं था यार ये बॉट था। चलो कोई नहीं यार, अपने को थोड़ा सा लूट वगैरह तो मिला। इसमें ऑलरेडी यार फ्रेगमेंट्स है पासवर्ड वाले, पर अपने को तो कुछ नहीं चाहिए भाई। इसमें मेरे को 600 सल्फर, 600 आयरन एंड कुछ स्टोन मिला, जो कि काफी गजब है। ओ भाई कैबिनेट में लॉक भी नहीं लगाया हुआ है, तो भाई इसका बेस तो गया। तो चलो गाइस जाने से पहले जो है ना हम लोग इसको ही क्लियर कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है ना गाइस, मैं यहाँ पे से निकल ही रहा था एंड मुझे यार पे एक और बेस दिखा। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको रेड मारते हैं एंड देखते हैं यार इससे अपने को थोड़ा सा सामान वगैरह भी मिलेगा तो मजा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने इसको रेड मारा, पर इससे जो है ना अपने को कुछ भी नहीं मिला भाई। बंदे ने बॉक्स भी नहीं लगा के रखे हुए थे। तो चलो गाइस अभी जो है ना उसके बाद हम लोग दोबारा से आगे गए। एंड लकीली गाइस यहाँ पे अपने को काफी बड़ा बेस मिला, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको रेड मार के देखते क्या मिलता है। वैसे पूरे का पूरा स्टोन का था, डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ अच्छा सामान तो मिलना चाहिए। तो देखते हैं यार, फर्नेस तो है यहाँ पे, बंदे ने डोर आयरन का करके रखा हुआ है भाई। फर्नेस में लूट है, मजा आ गया गाइस। ओके डोर में यार लॉक लगा के नहीं रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अंदर लूट मिलेगा। बंदे के बैकपैक में काफी अच्छा लूट है। सो जितना भी कंपोनेंट्स वगैरह है गाइस, हम सारे के सारे कंपोनेंट्स उठा लेंगे। डिसमेंटल करके हमें इजीली स्पीयर मिल जाएगा भाई, 400 अराउंड 500 के करीब में वो था, क्या बोलते हैं सल्फर। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने इसको लूटा। एंड
अब तो मेरा प्लान ही था कि और बैच हम लोग रेड करें, क्योंकि यार पहले ही दिन अगर आप लोग डंडे से रेड करके भगा दोगे ना बंदों को, तो लास्ट में बंदे नहीं मिलते। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा, चलो यार अभी अपना बैकपैक लगभग लगभग फुल हो चुका है, एंड दूसरी बार जो अपना बैकपैक फुल है, तो अभी जो है ना जितना भी अपने पास सामान है, सबसे पहले इसको हम लोग अपने बेस में डिपो करके आते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने बेस की तरफ पहुंच ही रहा था, एंड देखो यार यहाँ पे क्या ही गजब का बेस था, एंड मेरे को फुटस्टेप्स आने लगे, लगता है यार बंदा जो है ना यहाँ पे बेस को रेड मार रहा था चकुए से। तो यार मेरा बैकपैक फुल था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा, मैंने कहा यार इससे अंदर फाइट लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर शॉटगन हुआ तो मैं तो गया। फिर उसके बाद यार मैं यहाँ पे आया, फटाफट से मैंने डिसाइड करा जितना भी अपने पास लूट वगैरह है इसको मैं डिपो करता हूँ। और हाँ यार, आप लोगों को मैंने पर्पल कार्ड का सीन बताया था, एंड आज जो है ना गाइस मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो बीच का मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, एंड दोबारा गाइस मैंने लगभग 6 घंटे में ना 2 पर्पल कार्ड उठाए थे, एंड आप लोग टाइम देखोगे ना गाइस मेरा टाइम है 1-1.5 घंटे बाद ऑनलाइन आना है थोड़ा सा खेलना, फिर ऑफलाइन चले जाना, ऑनलाइन आना है थोड़ा सा खेलना, फिर ऑफलाइन चले जाना, मेरा गाइस आजकल यही सीन चल रहा है। तो गाइस अभी जो है ना 323 घंटे हो रहे, एंड हम लोगों ने पहला पर्पल कार्ड उठाया, एंड अभी जो है ना अब दूसरा पर्पल कार्ड जो है वो 320 घंटे में आएगा, वो भी उठाया था मैंने, एंड उसके बाद यह 317 घंटे में वो भी उठाया था। तो गाइज इस तरीके से मैं पर्पल कार्ड उठाता हूँ। तो अभी जो है ना गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पर्पल कार्ड उठाया, एंड उसके बाद यार मैं आया था बॉट बेस देखने के लिए, क्योंकि अपना सर्वर जो था ना वो लगभग 7:45 में स्टार्ट हुआ था, तो मुझे पता था यार डेफिनेटली अगर 7:45 में बॉट बेस आ गया होगा तो हमें इजीली बॉट बेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ना शाम के टाइम पे मार्टबोट रिस्पॉन हुई है। तो फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं यार बॉट बेस में लूट मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मैंने ट्रिक वगैरह तो बता ही दी आपको, तो लेट्स गो गाइज। अगर आप लोगों को यार बॉट बेस लूटने का ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग आयरन बॉट बेस किस तरीके से लूटोगे, वुडन बॉट बेस किस तरीके से लूटोगे, काफ़ी अच्छी ट्रिक से यार इजीली हो जाता है। तो अभी जो है ना गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, एंड मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, फटाक से गाइज हम लोग जो जो लूट उठाए थे ना वो दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा दिखा के गाइज कुछ भी फायदा नहीं है, टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा। अगर जिस भाई को भी पता करना है यार बॉट बेस किस तरीके से लूटते हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ पाऊँ। यार आजकल कमेंट इतने आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रिप्लाई देने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। तो लेट्स गो गाइज, अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं अपने को क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ पे मैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स को किल करके आ चुका हूँ, एंड देखो गाइज बूम बम तरीके से फुल लूट। भाई देख रहे हो, अगर तुम मेरी तरीके से गाइज अगर बॉट बेस लूटोगे ना 101% आपको बॉट बेस मिलेगा। कभी कभार गाइज चांसेस होते हैं जब बॉट बेस रिस्पॉन नहीं होता, जैसे मेरे सर्वर में तब हुआ था जब अपडेट आया था ना, तो उस टाइम पे मॉर्निंग वाला बॉट बेस रिस्पॉन नहीं हुआ, सो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। ओके गाइज अभी जो है ना मैं वो पहेली क्लियर करके यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड इस वाले से भी हम लोग फटाफट से लूट उठाते हैं। भाई इजी लूट है यार, इसलिए जो है ना मैं मॉर्निंग का भी नहीं छोड़ता, इवनिंग का भी नहीं छोड़ता, मतलब मेरे को तो टाइम पता है गाइज कि सर्वर किस टाइम पर आया था, एंड उस टाइम पर लूट लेता हूँ मैं। तो चलो गाइज फटाफट से हम लोग फ्यूल डालते हैं और निकलते हैं यहाँ पे से। एंड इस सर्वर में जो है ना गाइज एक बंदे के साथ काफ़ी गंदा लफड़ा चल रहा है अपना। बंदे यार आपको पता है गाइज इस सर्वर में बजूका लेके आ रहे हैं ड्रॉप में, भाई काफ़ी गंदा सीन हो रहा है। आगे की वीडियोस जो है ना गाइज इस सर्वर की काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, भाई मज़ा बहुत आ रहा है। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग बॉट बेस से आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा बेस बनाया है, जहाँ पे मैं जितना भी बॉट बेस लूटता हूँ ना वो सारा का सारा मटेरियल है, मतलब एआर है, बुलेट्स है, हेल्थ किट है, काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो चलो गाइज अभी जितना भी अपने पास सामान है ना वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। भाई बॉट बेस से इतना सामान मिल रहा है ना, भाई फ्री का सामान है वो तो उठाना बनता ही है। तो जितना भी गाइज हमारे पास सामान है मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी अपने को दोबारा से यार मॉर्निंग में आना पड़ेगा। सो हम लोग बेस से यार सामान वगैरह लाए, तो मैंने डिसाइड करा कि अभी जो है ना मैं यहीं पे एक बेस बनाता हूँ, रोज बॉट बेस लूटूंगा, रोज माला मालूंगा, मतलब यार बॉट बेस से 8000 सल्फर का सामान मिलता है। तो चलो गाइज मैंने सारे का सारा लूट अपने बॉक्स में रख लिया है, फटाफट से मैं यहाँ पे से सेल्फ करता हूँ और सीधा निकलता हूँ अपने बेस में। एंड उसके बाद यार मैंने 320 घंटे का तो रिकॉर्ड नहीं करा था, एंड अभी जो है ना गाइज यहाँ पे 317 घंटे हो रहे हैं। तो देखो गाइज अभी अपने को फिर ब्लू रूम पे जो है ना पर्पल कार्ड मिलेगा। अबे यार मैं तो पर्पल कार्ड करने आया हूँ यहाँ पे, हाँ शाम का टाइम है ना, एआर आने वाला है, तो डेफिनेटली गाइज अपने को एआर मिलेगा।
तो भाई अपने को पहली गन मिल चुकी है जो कि M762 है भाई। अभी अपन लोग लर्न करके ना अभी अपन लोग सेल में लगाएंगे क्योंकि यार अपने को काफ़ी ज़्यादा माल चाहिए भाई। अपने काम बन चुका है, मज़ा आ गया, लेट्स गो गाइस। अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं, पर उससे पहले मेरे को हेल्थ करना पड़ेगा। ओके, मेरे को यहाँ पे एक आयरन का कच्चा भी मिला एंड आयरन की चेस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आयरन का कच्चा मिल चुका है। अभी जो है ना गाइस अपने को आयरन के शूज चाहिए और आयरन का हेलमेट भाई, वो तो हम लोग धीरे धीरे करके ढूंढ निकालेंगे। तो चलो अभी जो है ना मैं यहाँ पे सब फटाफट से निकलता हूँ एंड सीधा मिलता हूँ आपको बेस में। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पर्पल रूम लूट के एंड इजीली जो है ना गाइस यहाँ पे हमको M762 मिल चुकी है। तो फटाफट से यार मैं अपने स्पीयर्स वगैरह निकालता हूँ एंड फटाक से जो है ना अपन लोग M762 लर्न करेंगे भाई। स्पीयर कम से कम 1800 के करीब स्पीयर है भाई, मजा आ गया, लेट्स गो। तो भाई M762 लर्न करने में लगभग 750 स्पीयर लग रहा है एंड जितना भी अपने पास एक्स्ट्रा स्पीयर है ना वो मैं डाल देता हूँ सीधा अपने कैबिनेट में। तो फाइनली गाइज अपना M762 लर्न हो चुका है। फटाफट से अपने के लिए जो है ना गाइज कुछ हम लोग M762 बना भी देंगे एंड कुछ हम लोग मार्ट बोट में सेल में भी लगा देंगे क्योंकि गाइज अभी जो है ना मुझे लगता है यार M762 तो बिकेगा क्योंकि सर्वर हॉट है एंड पर्पल कार्ड यार इजीली बंदों को नहीं मिलता स्टार्टिंग में, तो हम लोग यार थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेते हैं M762 बेच के। तो भाई अभी लगभग मैं 2 M762 बनाऊंगा एंड दोनों अम्बर लोग जो है ना सेल करने रख देंगे। अभी स्टील नहीं है, स्टील तो वैसे मेरे पास है क्योंकि आज से जो है ना अपन लोगों ने बॉर्ड बेस लूटना स्टार्ट करा है, तो डेफिनेटली यार 3-4 दिन में हम लोग काफी अच्छा स्टील भी अपने के लिए कलेक्ट कर लेंगे। तो जितना भी अभी एक्स्ट्रा सामान है ना गाइस सारा का सारा मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने मार्ट बोट में एंड हम लोग जितना भी अपना सामान है वो सारा का सारा सेल में डालते हैं। पर अपने बैकपैक में यार काफ़ी अच्छा लूट है तो मैं देखता हूँ वो कहाँ रखूँ। ओके गाइस ऐसे करते हैं हम लोग वो सारा का सारा सामान यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सो अभी जो है ना अपने पास कुछ सामान तो है नहीं। अबे ये आयरन का नेकर है, इसको भी मेरे को बॉक्स में डालना पड़ा, कहीं बंदे ने बाहर में मार दिया ना तो अपना काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग जो है ना अपनी मार्ट बोट में जो है वो M762 सेल करने लगाते हैं भाई। अभी मैं जो है ना लगभग 800 में SMG बैठ जाता एंड 800 में रेड डॉट, तो अभी जो है हम लोग लगभग 3000 में बेचते हैं ना गाइस। हाँ 3000 सल्फर में हम लोग M762 बेचते हैं एंड अभी SMG बिकने का टाइम तो नहीं है, तो SMG जो है ना हम लोग वहाँ पे से निकाल देते हैं भाई। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। ओके यार यहाँ पे अपन लोग अपनी M762 बन चुका है, सो फटाफट से इसको भी अपन लोग सेल में लगाते हैं। ओके गाइज अभी जो है ना अपना मार्ट बोट लगभग फुल है, तो देख रहे हो यार यहाँ पे से जो है ना चाइनीज थाई बंदों ने अपना बेस रेड करा था, फर्नेस का लूट ले गए यार निकाल के। चलो कोई नहीं गाइज, फिर जो है ना गाइज यहाँ पे मैं आया था, थोड़ा सा पर्पल कार्ड चाहिए था मेरे को, तो मैं आया फटाफट से यहाँ पे एंड जो है ना अपन लोगों को इजीली गाइज यहाँ पे से पर्पल कार्ड रोहोल बेस मिलता था। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी यार वीडियो में बता दिया है कि आप लोग पर्पल कार्ड यहाँ पे से कैसे ले सकते हो, पर यार ये तो अपनी सीरीज है, सीरीज में मैं गाइज जो जो करता हूँ ना वो आपको दिखाता। सबसे पहले तो उसको मारो, तो चलते हैं गाइज फटाफट से हम लोग पर्पल ब्लू रूम से पर्पल कार्ड निकालते हैं। ओके मुझे लग रहा था कोई किया है बट अभी नहीं किया हुआ, डालते हैं वायर फटाफट से। तो भाई जो पर्पल रूम है ना मैं कभी नहीं करता था, बस कल जो है ना गाइस मैंने कैसे तैसे करके तुम्हारे लिए किया था, ये तो वीडियोस हम लोगों ने पहले ही बना के रख दिया था। ब्लू कार्ड मिला अपने को यहाँ पर से, क्योंकि अपने पास यार अभी ब्लू कार्ड्स नहीं है। तो भाई अभी जितने भी हमारे पास SMG वगैरह है वो सारे के सारे हम अपने स्लॉट से हटा देते हैं एंड अभी जो है ना अपन लोगों को हार्पून गन रखते हैं भाई, अब आएगा ना वो उसको इजीली मार देंगे।
भाई इसको मारना पड़ेगा। आजा भाई, तो चलो गाइज लगभग अपन लोगों ने ये एरिया तो क्लियर कर दिया। अभी जो है ना हम लोग फटाफट से इसका ब्लू रूम करते हैं भाई। अंदर जो है ना काफी मॉन्स्टर होते हैं, उनको मारना पड़ेगा, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइज, अपन लोग इजीली मार देंगे इनको। भाई ये सार के इसको भी मारना पड़ेगा। ओके 150 का डैमेज आया, वो आ गया मेरे पीछे। अबे मिस कैसे हो गया ये, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे पास काफी ज्यादा हार्पिंग गन है एंड उसको तो अपन लोग इजीली निकाल देंगे। तो चलो गाइज अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं पर्पल कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। ये गाइज जब सर्वर हमारा 13-12 दिन का था, जब अपडेट आया था उसके टाइम का ये। भाई पीछे से मारेगा, रुक जा भाई, ये तो काफी गंदे तरीके से पीछे पड़ गए अपने। दो है गाइस, दो। तो शार्क तो गया बड़ा वाला। तो गाइस ये डालने का प्लान नहीं था, पर आप लोग बोले थे यार कि भाई पर्पल कार्ड की ट्रिक्स बता, कि तू इतना पर्पल कार्ड कहां से लेता है। तो मैंने डिसाइड करा था यार तुम्हारे लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर ये गाइज अपना सीरीज से रिलेटेड है तो मेरे को ये डालना ही पड़ा। ओके गाइज वायर तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाली हुई है, तो डोर ओपन करते हैं, देखते हैं यार पर्पल कार्ड मिलेगा। नहीं मिला यार, आज तो नहीं मिला। अबे खुल कहीं को नहीं रहा ये। ओके खुल गया, ये रहा गाइज पर्पल कार्ड। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोगों को पर्पल कार्ड मिल चुका है एंड फटाफट से हम लोग यहाँ पे से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो है ना गाइज यहाँ पे ड्रॉप आया था एंड देखो गाइज ड्रॉप में क्या ही गजब का सीन हुआ। तो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ पे से निकलते हैं बाहर। तो फाइनली गाइज वहाँ पे हम लोग वो रूम करके आए थे एंड फाइनली यार यहाँ पे आ चुका था ड्रॉप। एंड मेरी यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ड्रॉप में जाने का, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ बंदे जो है ना दो दो तीन तीन के टीम पे आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एंड मेरे पास यार अभी उजी है, वैसे AR का टाइम हो चुका है पर मैं उजी लेके आया, पर मेरे को यार यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, पर ड्रॉप ऑलरेडी अनलॉक है। मैंने कहा यार बंदा कहीं ना कहीं तो है, पर यहाँ पे जो है ना गाइस बंदे काफी हार्ड गेम कर रहे थे, मतलब यार बंदा दिखा ही नहीं। मैंने ड्रॉप तोड़ा, ड्रॉप उठा रहा था ना, तो देखो यार आप लोग खुद ही देखो क्या ही गजब सीन हुआ। तो मैं यहाँ पे आया जहाँ पे डिसमेंटल होता है, पर यहाँ पे तो यार अपने को बंदा ही नहीं दिखा। मैंने कहा किधर होगा बंदा, है तो बंदा है गाइस डेफिनेटली, क्योंकि SNF नाफ का एक बंदा है ना, वो गाइस एक नंबर का कैंपर है यार। वो बंदा ने काफी ज्यादा दिमाग खराब करके रखा भाई सर्वर में। आप लोगों को यार ड्रॉप में स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, जैसे आप लोग ड्रॉप तोड़ के भागने का ट्राई करोगे ना तब निकलता है बंदा अपने बिल से बाहर। तो अभी तक तो यार मेरे को कोई नहीं दिखा, सो मैं सबसे बेस्ट लोकेशन में आ चुका था यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे से आपको कोई इधर से नहीं मार सकता, मारेगा जो है ना वो भी ओनली पीछे से मारेगा। तो मैंने कहा डिसाइड करा चलो रोटेट करके इसके अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि बंदा यहीं पे कहीं पे हैंड है कहाँ पे, पर वो नहीं पता। तो भाई यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, मुझे कहीं पे भी बंदा नहीं दिखा, तो मैं समझ गया था गाइस कि कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नया अपडेट आया था एंड बंदों को जो है ना दूसरा लेवल वाला रेडिएशन मास्क ही नहीं मिला। तो मैं को लगा मे बी ये भी कारण हो सकता है बंदे नहीं आए। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पे ड्रॉप उठने आया ना, तो मेरे को जो है ना यहाँ पे हेलमेट मिल गया था। मैंने कहा भाग बेटा, और जैसे मैं भाग रहा था पीछे से मेरे को बंदा मारने लगा। भाई मेरे पास उजी था एंड सक्सेसफुली जो है ना गाइस तुम्हारे भाई ने इसको बजा दिया। पर सबसे पहले तो यार अपन जो हैंडमेड है ना उसे मैं डालता हूँ सेफ में, क्योंकि अभी तक यार अपने पास हैंडमेड नहीं था। भाई लकीली यार हैंडमेड मिल गया, फटाफट से हील करते हैं।
और एआरबी गाइस अपने को काफी ज्यादा मिल चुकी है, फटाफट से यहाँ पर से भागने का ट्राई करूंगा। तो फटाफट से गाइस अपनी हेल्थ रिकवर करता हूँ और भागता हूँ यहाँ पर से। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपना हेल्थ जो है वो रिकवर हो चुका है एंड अभी जो है ना मैं तो सीधा भागता हूँ, रुकना नहीं है भाई। और वैसे लगता है आगे गेट से जाना ठीक नहीं है, पीछे वाले गेट से ही निकलते हैं क्योंकि गाइस आगे वाले गेट में काफ़ी बंदे कैंप करते हैं एंड अभी जो है ना अपने पास काफ़ी गन है तो फाइट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने डिसाइड करा चलो बेटे पीछे से निकलो, मतलब आज जो है ना गाइस हम लोगों ने रेड्स वगैरह भी मारी, एक आधा बेस रेड मारा छोटा छोटा, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, हैंडमेड मिल चुका है बढ़िया है। और अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं भाई, अपने को हैंडमेड मिल गया और क्या चाहिए, बस पीछे कोई कैंप ना करे, बस यार वो डर है अपने को। तो फाइनली गाइज यहाँ पे से हम लोग निकल चुके हैं भाई, एक बंदा था उसने सबको क्लियर करके रखा हुआ था, हम गए थोड़ा सा कैंप किया एंड उसको मारा और अभी जो है ना हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा सामान। तो फाइनली यार मैंने डिसाइड करा हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से यार मिलिट्री नहीं गए, तो आज तो यार मिलिट्री जाना बनता ही है। वैसे मेरे पास गन है पर यार वहाँ पे एक काफ़ी गजब का सीन हुआ। सो जैसे यार मैं मिलिट्री पहुँचा ना तो एक फैन कैट नाम का बंदा है वो ऑलरेडी यार मिलिट्री करके जा चुका था भाई। मैंने कहा यार काफ़ी गंदी किस्मत है, और उस बंदे ने जो है ना उस टाइम पर एवेंजर भी भर दिया था, तो मैंने कहा यार आज जो है अपनी काफ़ी बेकार किस्मत है। एंड उस बंदे को यार मैं ढूंढ रहा था पर वो बंदा यार अपने को मिला ही नहीं। देखो यार अभी जो है ना रिपोर्ट में आ रहा है, यहाँ पे गाइस अभी जो है ना मेरा डिवाइस थोड़ा सा ग्लिच हो गया था जिसमें साउंड ही नहीं आ रहा था पैर का, तो मैं देख रहा था यार इसको रिक्वेस्ट सेंड करके देखा पर बंदे के टीम पे था ऑलरेडी। देखो गाइस यहाँ पे बुलेट्स का निशान तो आया पर मुझे पता नहीं चल रहा वो बंदा एक्चुअली में कहाँ पे है, एंड जब तक यार मेरे को लोकेशन पता नहीं चलेगी तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। एंड कुछ देर बाद गाइस वो रिपोर्ट से गायब हो गया था, लग रहा था मेरे को वो पीछे वाले गेट से गया। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस रूम भी सारे के सारे लूटेड थे, तो मैंने कहा चल भाई अब सीधा ऐसे निकलते हैं यहाँ से, अपन लोग सीधा चलते हैं अपने बेस में। तो भाई उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था क्योंकि एक यहाँ और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा बेस था, मैं सोच रहा था क्यों ना यार अपना मेन बेस जो है ना मैं इस आइलैंड में बनाऊँ, क्या बोलते हो गाइस अपना मेन बेस इस आइलैंड में बनाए। तो यहाँ पे एक बेस था तो मेरा प्लान था यार इस बेस को मेरे को रेड करना है एंड उसके बाद जो है ना अपन लोग अपना मेन बेस यहाँ पे बनाएंगे, देखते हैं यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे लगता तो इजीली हो जाएगा पर देखो गाइस क्या ही गजब का सीन करके रखा हुआ था बंदे ने, जो मेन टीसी है ना गाइस अपने बेस में एक टीसी ने रखी हुई थी, उसकी जो बेस की टीसी थी ना वो डायरेक्ट उसने बाहर रखी हुई थी ओपन में। तो मैंने बॉम्ब लगाया एक टीसी फोड़ा, उससे जो है ना गाइस इसकी आउटर वाल का टीसी टूटा था, जैसे गाइस हम लोगों ने दूसरा टीसी थोड़ा ना वो इसके बेस से कनेक्टेड था। भाई तोड़ो फटाफट से, ओके गाइस यहाँ पे टूट गया एंड देखो यार क्या ही गजब का बेस बनाने का। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा जो है ना इसका बेस को कैंप कर दिया, बेस कवर कर दिया, पर मुझे बाद में पता चला यार बेस कवर नहीं। एंड देखो जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ ना बंदे ने क्या ही गजब के ट्रैप्स लगा के रखे हुए हैं, मतलब यार जो बंदा अंदर घुसा उसकी तो पेटी ही बनेगी, बाहर नहीं निकल सकता। तो चलो गाइज अभी जो है ना डोर से इसको रेड मारते हैं एंड इसका बेस जो है ना यहाँ पे से हम लोग हटाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यार अपडेट के बाद ना इस दिन अपडेट था तो यार बंदे भी थे ही नहीं सर्वर में, अब मैं क्या करता, मेरे को तो रोज खेलना है, रोज का डे बनाना है। तो बस गाइज यही था, नेक्स्ट डे से गाइज डेफिनेटली बंदे जब जैसी अपडेट करके आ जाएंगे तो फुल बूम बाम होने वाला है सर्वर गाइज, लिटरली जिस दिन अपडेट आया ना पूरा का पूरा सर्वर खाली था। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे बॉक्सेस में लॉक थे एंड जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे ना उनमें कुछ नहीं था, मुझे लग रहा था क्या पता जो इसका टीसी है ना वो इधर होगा, कैबिनेट जो उधर होगा। तो मैंने फटाफट से यार यहाँ पे ऑयल बम लगाया पर वहाँ पे का ऑयल बम भी गाइस कुछ काम का नहीं था। तो चलो गाइस तीन ऑयल बम लगाते हैं उस वाले डोर में, आईपैड से यार ग्लिच नहीं होता ना इसलिए काफी दिक्कत आती है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइस हमारे पास बम काफी ज्यादा है। तो भाई ये तो डायरेक्ट वहां से कनेक्ट हो रहा है, ओके तो इस तरीके से तो गाइस यहाँ पे बात नहीं बनेगी, लगता है मेरे को उसका टीसी फोड़ना पड़ेगा, जो बाहर में इसके टीसी है ना
वही उड़ाना पड़ेगा। चलो गाइज तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, फटाफट से उनको उड़ाते हैं। एक टीसी में तो गाइज लिटरली बंदे ने लॉक भी नहीं लगाया हुआ था, एंड हमें जो है ना गाइज वहां पे काफी अच्छा लूट मिला। लगभग वुड गाइज काफी ज्यादा फार्म किया था बंदे ने। यहाँ पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिला। एंड अभी जो है ना गाइज जैसे मैं दूसरे टीसी की तरफ जा रहा था, एंड दूसरे टीसी में लॉक ही नहीं था भाई, लगभग 8-9 हज़ार वुड मिला मेरे को यहाँ पे से। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग चलते हैं। अंदर कुछ खास नहीं है, कंपोनेंट्स है गाइज, चलो बढ़िया है। सिरिंज भी उठानी है, सिरिंज जो है ना अपन लोग सिरिंज बनाएंगे अपने के लिए। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने बेस में, एंड जल्दी जो है ना गाइज ये पूरा का पूरा डिके हो जाएगा भाई। वुड लगभग 15,000 वुड मिला है अपने को इस बेस से, मजा आ गया। देख रहे हो कितना ज्यादा लूट हो गया अपने में। अभी मेरे को फटाफट से अपने बेस में बॉक्स लगाने पड़ेंगे, एंड जितना भी लूट है ना सारा का सारा हम लोग यहीं पे रख देंगे। तो चलो गाइस सारा का सारा इसमें लूट डालते हैं। एंड बस यार आज का डे में यार काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, क्योंकि बंदे यार अपडेट के बाद बंदे ही नहीं आए सर्वर में, बस 4-5 बंदे थे बाकी, और तो गाइस कोई बंदा आया ही नहीं था। एंड नेक्स्ट डे से जो है ना गाइस बंदे दोबारा से एक्टिव होने लगे थे जो जो गेम अपडेट कर रहा था। एंड बस यार आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, मेरे को भी यार काफ़ी बोरिंग लगा, बट सीरीज़ है गाइस, कभी बोरिंग होगी कभी इंटरेस्टिंग होगी, वो तो सीरीज़ में चलता रहता है। तो फटाफट से लॉक लगाते हैं। एंड फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते गाइज हम आपसे एक नई वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियोज़ यार मोबाइल से होने वाली है। थोड़ा सा ट्राई किया यार फाइट वगैरह करने का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एंड लाल कलर का बटन जो है ना दबा दो भाई उसको, जिसने अभी तक नहीं दबाया। तो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।